हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि भाई हम बिज़नेस स्टडीज़ के जो है एग्ज़ाम को किस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जिससे कि बहुत अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। हमने चैनल पर पहले एक वीडियो बनाई थी कि हम अकाउंटेंसी के जो है पेपर को किस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसमें 6-7 जो है पॉइंट की बात की थी कि उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, फिर उसके बाद में हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम बिज़नेस स्टडीज़ के जो है एग्ज़ाम को किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि पूरी साल पढ़ते हैं फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि 10-5 दिन पढ़ के या फिर महीना पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका, वो बहुत ही लाजवाब होता है। जब टीचर पढ़ता है तब देखता है कि हाँ, इसमें कुछ दम है बंदे के अंदर। दोस्तों, अब जैसा क्या होता था कि पहले तो हम जब +1 से लेकर के अब +2 के बीच में या फिर इससे पहले थे ना, तब तक तो क्या होता था कि टीचर्स हमें जानते थे, बाई फेस जानते थे। उस वजह से वो कुछ बातें होती थी, उस वजह से भी पेपर में हमें अच्छे मार्क्स नहीं देते थे। बट यहाँ पर कॉलेज लाइफ में आने के बाद में या फिर बोर्ड के जो हमारे एग्जाम होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि हमारी कॉपी बोलती है, जो हमारी आंसर शीट होती है ना, वो बोलती है कि बंदे में दम है या नहीं है। तो उस टाइम पर हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमें लिखने की जो तरीका होता है, हमारे जो प्रेजेंट जो करने का जो तरीका होता है, वो क्या बताता है कि हाँ कुछ है। तो आपने ये बात भी सुनी होगी कि भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होती है कि भाई जो चीज़ दिखेगी वही बिकती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है बिजनेस स्टडीज का अगर हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमें पॉइंट क्या देखना चाहिए कि हमें प्रेजेंट किस प्रकार से करना है। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। इसमें मैं अगर बात करूँ तो हेड राइटिंग की अगर बात हो सकती है कि हमें हेड राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है। बहुत अच्छी नहीं लिखनी कि भाई मोतियों वर्गी नहीं लिखनी, बट ऐसा लिखना है कि टीचर्स को कुछ समझ में आए। जो हमने लिखा है, जो हमने कंटेंट बनाया है, वो टीचर्स को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि भाई वो पढ़ सके। और जो वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है ना, थोड़ा गैप देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड के अंदर गैप नहीं देते, बिल्कुल मिक्सर कर देते, पता ही नहीं लगता कि टीचर्स ने मतलब कि पता नहीं लगता कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है इस चीज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हेड राइटिंग को कुछ इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना है कि हम भाई अच्छी तरीके से कर सकें। अब जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो क्या करें, भाई अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसको खुले खुले करके शब्दों को आप अलग अलग करके अच्छी तरीके से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उस टीचर्स को वो चीज़ समझ में आए। सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ बिजनेस स्टडीज का, हम जब एग्ज़ाम करते हैं तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या नोट करना है कि जो हमें पॉइंट पर बात करनी है, जैसे मीनिंग की अगर हम बात करें। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना कि कुछ पूछा कुछ जाता है, लिख कुछ रहे हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ कि प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो उसमें पूछ लिया भाई इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है। बट यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंस से चल्लू कर देते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमारी बात ये थी कि भाई हम प्लानिंग के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंपॉर्टेंस पूछिए तो फिर हमें मीनिंग लिखना है। अब मीनिंग में क्या लिखना है, हम मीनिंग में किस प्रकार की बातें करेंगे, मीनिंग में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए कि उसका पूरे का निचोड़ हो जाना चाहिए। क्योंकि अब जो कॉलेज लाइफ में हम अगर बात करें, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, तो जहाँ पर कॉलेज लाइफ में जब एग्ज़ाम चेक होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं कि ऊपर से पढ़ते हैं जो टीचर्स होते हैं, फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बंदे में कितना दम है, अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हमारे जो मीनिंग होता है ना, वो वंडरफुल होना चाहिए, बहुत अच्छा मीनिंग होना चाहिए, जिसमें कि पूरा निचोड़ है ना क्वेश्चन का, वही आप आंसर का निचोड़ मीनिंग में डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। हमारी दो बातें हो गई कि हमें हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है, अच्छी नहीं है तो ऐसा लिखना है कि टीचर्स को समझ में आ सके। दूसरी बात हमारी जो है मीनिंग की बात है, पूरा निचोड़ जो है एक बार मीनिंग में डाल दीजिए। और कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपका क्या होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस भी पूछा तभी एक बार आप मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, तो उससे क्या होगा कि अच्छा सा एक फील होगा टीचर्स को भी, हाँ कुछ आता है, मतलब कंटेंट के बारे में स्टूडेंट को पता है। सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, थर्ड या फोर्थ जो हमारा पॉइंट है उसमें हमारी क्या बात है कि जो विस्तार परिधि होती है ना उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, कुछ हमारे जो एक चैप्टर है तो उसमें से या फिर हमारी एक बुक है, कुछ हर स्टूडेंट एक ऐसा होता है जिसको कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं, तो उसमें क्या करता है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, और जो नहीं आता उसमें कुछ नहीं लिखते। तो विस्तार परिधि का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे हमारा क्या हो सकता है, अच्छी तरीके से हमारी इंप्रूवमेंट होगी और अच्छे तरीके से हम बिजनेस स्टडीज में हम अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, आपको ये बात बिल्कुल नोट करनी है। और हमें किस प्रकार से लिखना है, अगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर
क्या है कि जो हमारे टू बी पॉइंट हमें बात करनी है, टू बी पॉइंट बात मतलब कि कुछ भी झमेला इसमें नहीं लिखना है कि भाई अदरवाइज़ कोई भी चीज़ लेकर चले गए। हमारी बिजनेस है भाई, ये बिज़नेस पर टू बी पॉइंट बात होनी चाहिए। अगर बिज़नेस में हम टू बी पॉइंट अगर बात नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता किसी भी टॉपिक का, किसी भी कंटेंट का। तो हमें बिज़नेस का एग्ज़ाम लिखते समय क्या करना है कि जो भी हमारा कंटेंट है उसमें टू बी पॉइंट हम बात करेंगे, पॉइंट के ऊपर हमें कॉलम बनाते हुए चलना है और कितना लिखना है ये चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जो हमारे अगर दो नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें हम 5 से 7 लाइन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। या फिर कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में आप अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 10 पेज कम से कम होना चाहिए। और कोई भी ये पूछ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस बताइए, 10 इंपॉर्टेंस बताइए, फिर 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 11 से 12 हमें इंपॉर्टेंस अच्छे से लिखनी है, हेडिंग बना बना करके लिखनी है। और अब सेकंड वन अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है कि हमें कॉलम या फिर स्टार बना करके यहां पर बात करनी है, क्योंकि क्या होता है ना 1, 2, 3 नंबर से अगर हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो टीचर्स के दिमाग में क्या जाता है कि हाँ यार 16 नंबर का क्वेश्चन था, इसको तो क्या है 10 पॉइंट ही आते हैं। अगर हम स्टार बना करके चलते हैं, 3 पेज अगर भर दिए तो उसमें क्या होगा, हमारा टीचर्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार पता नहीं कितना लिख दिया, बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, बहुत सारा जो है कंटेंट इसने लिखा है, अगर हम स्टार बनाते हुए चलते हैं। तो ये हमारी हो गई टू बी पॉइंट की बात या फिर कॉलम की बात। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर टाइम हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है कि हमें ये नहीं है कि दो नंबर के क्वेश्चन में हम आधा घंटा ले रहे हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन में हम 5 मिनट में कर दे रहे हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर हमारे 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है या फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो जितने हमारे क्वेश्चन हैं हमें डिवाइड करते हुए चलना है। कि जैसे अगर मान लीजिए 16 नंबर का अगर मैं मेरी बात करूं तो वहां पर मैं 16 नंबर के क्वेश्चन में मैं 35 से 36 मिनट लेता हूं, उसके बाद में भी वहां पर नहीं लिखता हूं। तो वहां पर आपको क्या करना है कि टाइम को मैनेज करते हुए चलना है और आपको कैसा कंटेंट लिखना है, एक अच्छी राइटिंग से कंटेंट लिखना है, टू बी पॉइंट बात करनी है और जो है अच्छा कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर हमने बात की और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी।